नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रतीक श्रीवास्तव। खबरों की सुपर फास्ट बुलेटिन में स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे, पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी भारतीय जनता पार्टी गुजरात चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, क्योंकि माना जा रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए चुनाव आसान नहीं होंगे। लंबे समय से सत्ता पर काबिज भाजपा पर हमला करने के लिए जहां विरोधी दल तैयार हो रहे हैं, वहीं जनता को अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा की भी राह मुश्किल नजर आ रही है। हालांकि नतीजों के जश्न के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रिलैक्स नजर आए और बातों हुई बातों में उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर कर दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आत्मविश्वास के साथ कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी और कहा कि गुजरात की ही तरह मध्य प्रदेश में भी कार्यकर्ताओं को मेहनत का फल ऐतिहासिक जीत के रूप में मिलेगा। गुजरात चुनाव के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर जश्न का माहौल था। पार्टी में वरिष्ठ नेताओं सहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ के ऊपर बंदूक तानने वाले आरक्षक पर कड़ी कार्रवाई करने कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां नारेबाजी कर डिप्टी कलेक्टर आर के राजपूत को राज्यपाल के नाम शिकायत दर्ज भी कराई। इसमें आरक्षक को बर्खास्त करने की बात कही है। शिकायत में बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सदस्य कमलनाथ के संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा से लौटते समय ड्यूटी पर तैनात आरक्षक ने बंदूक तान दी थी, उन पर हमले का प्रयास किया था। शिकायत में आरोप लगाया कि बंदूक तानने वाले आरक्षक को प्रदेश भाजपा सरकार के लोग संरक्षण दे रहे हैं, जबकि ऐसी मानसिकता के व्यक्ति को पुलिस जैसे गंभीर विभाग में रखना खतरनाक है। आरक्षक को तुरंत पद से बर्खास्त कर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो करेंगे आंदोलन। घटना से सभी कांग्रेसजन में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि आरक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, यदि ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस को आंदोलन करने पर मजबूरी होना पड़ेगा। शिकायत दर्ज कराने से पूर्व कांग्रेसजन ने नारेबाजी भी की। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष राजा राम कसौटिया, रमेश राठौर सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। सीहोर में दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी मिशन के तहत विद्यार्थियों को प्रशिक्षण को बीच में ही बंद कर दिए जाने से विद्यार्थियों के समक्ष समस्या खड़ी हो गई है। योजना के तहत गरीब प्रतिभावान बच्चों को निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाना था, संस्था ने बीच में ही प्रशिक्षण देना बंद कर दिया। इसके कारण अब विद्यार्थियों का भविष्य अधर में आ गया है। विद्यार्थियों का कहना है कि अधूरा प्रशिक्षण किसी काम नहीं आएगा। इसी समस्या को लेकर 80 से अधिक विद्यार्थी कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। सर, अन्य काम और शिक्षा छोड़कर ITRC संस्था से अकाउंट असिस्टेंट यूनिंग टेली का कोर्स दिया जा रहा था। संस्था की शुरुआत दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी मिशन और नगर पालिका कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण की शुरुआत 30 नवंबर को की गई थी। इंग्लिशपुरा स्थित आर निवास भवन में संस्था की शुरुआत भी की गई थी, जहां इंदौर की संस्था ITRC 80 से अधिक बच्चों को 5 माह तक निःशुल्क प्रशिक्षण देने वाली थी। सीहोर में टेक्निकल समस्या सहित सुस्त वर्किंग के चलते 6 दिन बाद भी स्मार्टफोन वितरण का टारगेट पूरा नहीं हो सका। अब भी कई छात्र फोन लेने से वंचित हैं। मेधावी छात्र छात्राओं को PG कॉलेज में स्मार्टफोन का वितरण किया जा रहा था। इस काम का श्री गणेश ही ऐसा हुआ कि छात्रों की खासी फजीहत झेलना पड़ा। टेक्निकल समस्या के चलते पहले ही दिन कम छात्रों को फोन मिला था। दूसरे, तीसरे और चौथे दिन भी यही स्थिति रही। रविवार को अवकाश के चलते फोन वितरण का काम बंद था। सोमवार को वापस ये काम चालू हुआ। बताया जा रहा है कि अब तक 600 से अधिक छात्र छात्राओं को फोन मिल चुका है, वहीं जितने रह गए उनको मंगलवार को वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही अभी तक नहीं आ रहे छात्र स्मार्टफोन मिलने की सूची में नाम आने के बाद छात्र इसे लेना उत्साहित थे। उनका उत्साह पहले दिन मायूसी में बदल गया था, जब घंटों कतार में खड़े होने के बाद भी खाली हाथ लौट कर जाना पड़ा। 2-3 दिन इस तरह से चक्कर काटने के बाद भी छात्रों ने आना ही छोड़ दिया है। इस कारण अब कम ही छात्र स्मार्टफोन वितरण कक्ष में नजर आ रहे हैं। बता दें कि 700 से अधिक छात्रों को स्मार्टफोन बांटने का टारगेट है। दमोह नगर पालिका द्वारा कचोरा तालाब में अतिक्रमण हटाया गया। नगर पालिका द्वारा टीन शेड का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके चलते आज अतिक्रमण हटाया गया। SDM CP पटेल, नगर पालिका CMO कपिल खरे सहित नगर पालिका व पुलिस मौजूद रही। सीहोर में एक माह तक संचालित दस्तक अभियान का शुभारंभ इंदौर नाका स्थित बजरंग कॉलोनी से विधायक सुदेश राय ने किया।
इस दौरान विधायक ने एएनएम को दस्तक किट एवं क्यू कार्ड प्रदान किए गए। वहीं विधायक ने 5 घरों में स्वयं पहुंचकर 0 से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक अपने हाथों से पिलाकर 1 माह तक संचालित दस्तक अभियान का शुभारंभ भी किया। शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि 0 से 5 वर्ष तक बच्चों के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा महत्वाकांक्षी दस्तक अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान आगामी 1 माह तक संचालित होगा। इस अवसर पर जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर एम के चंदेल ने कहा कि दिनांक 18 दिसंबर से 18 जनवरी तक आरोग्य केंद्र एवं शहरी स्तर के सभी वार्डों में आयोजित किया जाएगा। दस्तक अभियान के अंतर्गत करीब 188,752 0 से 5 वर्ष के बच्चों को एएनएम, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा घर घर जाकर स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न प्रकार की सेवाएं दी जाएंगी। इन बच्चों में कुपोषण की जांच एवं चिन्हित गंभीर कुपोषित एवं बीमार बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र में उपचार हेतु रेफर भी किया जाएगा। शाजापुर शहर के नवीन कॉलेज में सोमवार शाम को दलित छात्रों ने लाइब्रेरी नहीं खुलने एवं किताबें नहीं मिलने पर लाइब्रेरी कक्ष का घेराव कर लिया। इसके बाद सभी छात्र प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर वी के शर्मा के पास पहुंचे और लाइब्रेरी से किताबें दिलाने की मांग भी की। इसके साथ ही छात्रों ने प्रभारी प्राचार्य को बताया कि लाइब्रेरी के पीछे की ओर कचरा पड़ा हुआ है, जिससे छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसको भी वहां से हटाया जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित थे। रतलाम में सुभाष नगर रेलवे ब्रिज के निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। ब्रिज से लगे हुए क्षेत्रों में लाल निशान लगाने का काम मंगलवार को फाइनल रूप से हो गया है। अब आगामी दिनों में निर्माण कार्य को तोड़ा जाएगा। रतलाम में चोरों ने एक बार फिर से पुलिस को चुनौती दे डाली है। 2 दिन पहले पुलिस की बुलेरो चोरी की वारदात का खुलासा करने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली ही थी कि बदमाशों ने अगले ही दिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजमल चौरडिया के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। शहर में बीते कुछ दिनों से लगातार चोर पुलिस का खेल जारी है। चोरों ने रविवार रात चौघड़िया के घर में पीछे खिड़की के रास्ते से प्रवेश किया। वह करीब 2 लाख का सामान चुरा कर ले गए। घटना के समय परिवार के सदस्य आगे वह ऊपर के कमरे में सोए हुए थे। इस वारदात का खुलासा सुबह परिवार के जागने पर पीछे के कमरों में सामान बिखरा नजर आने पर हुआ। रतलाम पुलिस उप महानिरीक्षक धर्मेंद्र चौधरी ने मंगलवार को जिला पुलिस लाइन का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान परेड देखने के साथ ही बलवा परेड भी परखी गई। डीआईजी के निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक अमित सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। परेड का निरीक्षण करने के बाद डीआईजी ने पुलिस कर्मियों का दरबार लगाया और उनकी समस्याएं भी जानी। सीहोर जिले भर में अवैध रूप से पैथोलॉजी और एक्सरे क्लिनिक अवैध रूप से संचालित कर लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम उस समय दंग रह गई जब जिला अस्पताल के सामने ही बगैर पंजीयन सहित अन्य विभिन्न कमियों के डिजिटल एक्सरे संचालित करते हुए पाया गया। एक्सरे का संचालन जिला अस्पताल के एक्सरे मशीन ऑपरेटर की सह पर उसी के रिश्तेदार द्वारा संचालित किया जा रहा था। तमाम कमियां मिलने के कारण स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निधि डिजिटल एक्सरे सेंटर को सील कर दिया। सीएमएचओ डॉक्टर डीआर अहिरवार सहित जांच दल में जिला कुष्ठ उन्मूलन अधिकारी डॉक्टर आनंद शर्मा, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर टीआर उइके, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिन पटेल, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर एम के चंदेल एवं नर्सिंग होम शाखा प्रभारी हिमांशु शर्मा ने सूचना पर सोमवार को अपराह्न ने जिला अस्पताल के सामने संचालित निधि डिजिटल एक्सरे सेंटर पर छापा मारा। एक्सरे न्यू यूनिट बगैर किसी पंजीयन के संचालित की जा रही थी। वहीं शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों का पालन नहीं किया जा रहा था। छापामार कार्रवाई के दौरान जांच दल उस समय दंग रह गया जब जांच दल का पता लगा कि एक्सरे मशीन का संचालन जिला अस्पताल में पदस्थ एक्सरे मशीन ऑपरेटर वैद्यलाल विश्वकर्मा के रिश्तेदार अभिषेक गौर द्वारा संचालित किया जा रहा है। सीहोर के प्राथमिक शाला गादिया का शिक्षक बिना सूचना के लंबे समय से गायब था। ई निरीक्षण में उसकी पोल खुलते ही शिक्षा विभाग भी दंग रह गया। स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षक के 42 दिन के वेतन काटने के साथ ही सेवा समाप्ति की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा इस शिक्षा सत्र से अभी तक ई निरीक्षण में लापरवाह 96 शिक्षकों पर कार्रवाई भी की गई। इसी तरह एक अन्य लापरवाह शिक्षक की एक वेतन वृद्धि रोकने के साथ 28 दिन का वेतन काटा गया।
कलेक्टर तरुण कुमार पिथोड़े ने जिले की समस्त शालाओं में ई निरीक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी, जिससे शालाओं में अनुपस्थित पाए जाने वाले शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई हो सके। जिला शिक्षा केंद्र के DPC अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि विगत जुलाई से आज दिनांक तक जिले में संचालित समस्त शालाओं में ई निरीक्षण के दौरान 96 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। इन समस्त अनुपस्थित शिक्षकों में शिक्षकों को एक दिन से लेकर 42 दिन का वेतन काटा गया तथा 4 शिक्षकों की वेतन वृद्धि भी रोकी गई। इन्हीं शिक्षकों में प्राथमिक शाला लावाखेड़ी के शिक्षक ओम प्रकाश मालवीय का एक वेतन वृद्धि रोकी गई तथा 28 दिन का वेतन भी काटा गया। इसी तरह प्राथमिक शाला गादिया के शिक्षक धनलाल कलम का अनुचित कार्य व्यवहार एवं अत्यधिक अनाधिकृत अनुपस्थित पर 42 दिवस का वेतन काटा गया और उनकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई प्रस्तावित की गई। जिले की समस्त शालाओं में ई निरीक्षण की व्यवस्था के तहत इस तरह की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। छिंदवाड़ा पुलिस चौकी और फॉरेस्ट की टीम ने रविवार सोमवार की दरमियानी रात बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दोनों विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई कर बड़ी मात्रा में बेशकीमती सागौन जब्त की। रात करीब 2 बजे तक चली इस कार्रवाई में टीम को एक तस्कर और 22 नग सागौन की सिल्लियां जब्त करने में सफलता हाथ लगी है। पकड़े गए सागौन तस्कर से फॉरेस्ट की टीम पूछताछ कर रही है। अन्य तस्करों के नाम भी सामने आए हैं, जिनकी तलाश में एक टीम रवाना की गई है। चौकी प्रभारी भूपेंद्र कुमार दीवान ने बताया कि रात करीब 12:30 बजे FRB को सागौन की अवैध तस्करी की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर FRB मौके पर पहुंची। सिल्लेवानी घाटी के पहले मोड़ पर सड़क के बाजू में खेत के अंदर सागौन की सिल्लियाँ पड़ी थी। तस्दीक के बाद पुलिस फॉरेस्ट का बल लेकर मौके पर पहुंची। आसपास छानबीन की गई तो झाड़ियों में छिपा हुआ एक तस्कर हत्थे चढ़ गया। पूछताछ में उसने अपना नाम सिल्लेवानी निवासी किल्ला पिता भारत ध्रुवे बताया। उसके कब्जे से 3 सिल्लियाँ जब्त की गई। वहीं कुछ दूरी से 19 नग सागौन सिल्लियाँ जब्त कर फॉरेस्ट के कब्जे में रखी गई हैं। किल्ला के खिलाफ वन विभाग ने अपराध पंजीबद्ध किया कर जाँच शुरू कर दी है। सागौन का बाजार मूल्य 90,000 रुपये आंका जा रहा है। टीम में ये रहे शामिल उमरानाला वन परीक्षक सहायक IN पांडे, वन रक्षक नितेंद्र लोखंडे, जितेंद्र सिंह, सुनील राउत, तानशाह कुमरे, चौकी प्रभारी भूपेंद्र कुमार दीवान, प्रधान आरक्षक श्याम सिसोदिया, आरक्षक शिवकरण पांडे एवं करण रघुवंशी शामिल थे। इंदौर में अवैध शराब की धरपकड़ के लिए एक बस्ती में कल रात छापा मारने गई सरकारी अमले पर कुछ लोगों ने अचानक पथराव कर दिया, जिससे एक कर्मचारी का सिर फूट गया। दूसरी तरफ उस कार्रवाई को फंसाने का षड्यंत्र बताते हुए वहां रहने वाली महिला ने फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। तब वहां हड़कंप मच गया। घायल कर्मचारी को मरहम पट्टी के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि महिला फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। आज़ाद नगर इलाके के मूसाखेड़ी स्थित भील कॉलोनी में कल रात आबकारी विभाग का दल आकस्मिक छापा मारकर अवैध शराब पकड़ने गया था। वहां एक मकान में विवाद होने के बाद गली में रहने वालों ने सरकारी अमले पर ही पथराव कर दिया। तब दल के बाकी अफसर व कर्मचारी तो किसी तरह बच निकले, मगर विभाग के हेड कांस्टेबल अनूप पिता छग्गन लाल बिरला 54 को सर पर लगे पत्थर से गहरी चोट लग गई। साथ ही कर्मचारी उसे उपचार के लिए तत्काल MY अस्पताल लेकर पहुंचे। इधर भील कॉलोनी की उसी गली में रहने वाली सरिता पति विनय 30 ने उक्त कार्रवाई से क्षुब्ध होकर घर में ही फांसी लगाकर जान देने का प्रयास किया। उसके परिजन तुरंत MY अस्पताल लेकर पहुंचे, जिससे महिला की जान बच सकी। पीड़िता की माने तो थाने का कपिल नामक एक सिपाही वसूली के लिए अक्सर परेशान करता है। घटना से पहले वही सिपाही सरिता के घर आया था और तब उससे विवाद हुआ था। कुछ देर बाद वही सिपाही आबकारी के दल को लेकर आ धमका। उधर आजाद नगर पुलिस ने घायल हेड साहब की सूचना पर रहवासियों के खिलाफ कार्रवाई भी की। सिवनी के इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय से नवजात शिशु के चोरी होने से अस्पताल में हड़कंप मच गया। आधी रात को घटी इस घटना में POP वार्ड में 9 दिन के नवजात शिशु को अपने पलंग में नहीं पाने पर मां ने हो हल्ला मचाया। देखते ही देखते समूचे वार्ड में नवजात शिशु के चोरी चले जाने का कोहराम मच गया। पकड़ने के डर से बच्चा चुराने वाले लोगों ने नाली में नवजात शिशु को छोड़कर रफू चक्कर हो गए। सोमवार मंगलवार की मध्य रात्रि अस्पताल के POP वार्ड में भर्ती शशिबाई पति दिलीप बरकड़े 22 अपने नवजात शिशु के साथ सो रही थी।
रात्रि में बच्चा चोर जिला अस्पताल के शिशु वार्ड से होते हुए पीओपी वार्ड क्रमांक 3 में पहुंचा और गेट के पास से सटे पलंग में सो रहे नवजात शिशु को चुपके से उठाकर ले गया। बच्चा रोए ना, इसके लिए चोर ने नवजात शिशु के मुंह में निडल चिपकाने वाले टेप चिपका दिया, नवजात का मुंह बंद कर दिया। बच्चे को अस्पताल से बाहर खड़े एक अन्य चोर साथी को दिया और चोर अंदर से बाहर पहुंचा। इसी बीच पकड़े जाने के डर से नवजात शिशु को वार्ड के बाहर की नाली में ही छोड़कर वे फरार हो गए। अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था, डॉक्टर्स, ड्यूटीरत स्टाफ नर्स, पुलिसकर्मी समेत सभी पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। सूबे के स्वास्थ्य राज्य मंत्री के प्रभार वाले जिले के अस्पताल में ही ऐसी बद इंतजामी अव्यवस्था है तो अन्य जगहों में हालत कैसे होंगे ये समझा जा सकता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में ले लिया है। सीहोर सब्जी मंडी को लगातार व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है। अब तक सब्जी की दुकानें लगाने वालों को व्यवस्थित कर अंदर दुकानें दे दी गई थी। फल विक्रेताओं के लिए चयनित दुकानों के स्थान पर गुड़ बाजार भी लगेगा। इसको लेकर एसडीएम ने व्यापारियों के साथ बैठक की। अव्यवस्थित सब्जी मंडी को लगातार संवारने का प्रयास प्रशासन कर रहा है। बाहर दुकानें लगाने वाले सब्जी विक्रेताओं को टीन शेड में व्यवस्थित किया गया था। इसके बाद खाली पड़ी जगह पर फल विक्रेताओं को जगह दी गई थी, मगर फल व्यापारी यहां दुकानें लगाने का विरोध दर्ज कराया गया। इसके बाद अब यह जगह पर गुड़ बाजार को दे दी गई है। इसको लेकर तहसील कार्यालय में एसडीएम राजकुमार खत्री ने सभी व्यापारियों के साथ एक बैठक बुलाई थी। कुल 30 दुकानों में 16 गुड़, 10 मिर्च मसाला, 2 मनिहारी, 1 किराना और 1 सुपारी जर्दा की दुकान लगाई जाएगी। दुकानों की व्यवस्था को लेकर नगर पालिका द्वारा व्यवस्थाएं की जाएंगी। रीवा के सरकारी स्कूल में पढ़ाई केवल खानापूर्ति बनकर रह गई है। प्राचार्यों द्वारा शैक्षणिक गुणवत्ता पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शिक्षा अधिकारियों ने इस बात का जिक्र करते हुए प्राचार्यों को सख्त निर्देश दिए। शैक्षणिक गुणवत्ता के उन्नयन की बात पर प्राचार्यों ने अव्यवस्था का हवाला दिया। सीहोर नगर में अल्प समस्या में विकास कार्य एवं शीघ्र सड़क निर्माण कराए जाने पर नगर पालिका अध्यक्ष अमिता जसपाल सिंह अरोरा, नगर पालिका परिषद के पार्षद गणों का व्यापारियों ने आभार मानते हुए नगर पालिका अध्यक्ष एवं पार्षदों का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष अमिता जसपाल सिंह अरोरा को शाल श्रीफल प्रसिद्ध पत्र भेंट कर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर बताया गया कि नगर पालिका अध्यक्ष अमिता जसपाल सिंह अरोरा द्वारा मात्र 2 वर्ष के कार्यकाल में नगर के सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों पर सौंदर्यकरण कराया गया। वहीं शहर टाउन हॉल, बढ़िया खेड़ी सहित अनेक स्थानों पर भव्य पार्कों को सौगात भी दी। जिन क्षेत्रों में सालों से मात्र 8 से 10 फीट की रोड थी, वहां पर 20-20 फीट की सीसी व डामरीकरण वाली उच्च गुणवत्ता वाली रोड तैयार हो चुकी है। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष पार्षद गणों में ओम प्रकाश शर्मा, राजेश यादव, गोपाल बिसेरिया, शाजिद शाह, मनोज गुजराती, मनोज राय, आकाश जैन सहित अनेक पार्षदों को सम्मान भी किया गया। शाजापुर में आज हाईवे के समीप जिला प्रशासन द्वारा चल रहे अतिक्रमण मुहिम के चलते आज एबी रोड नाले पर जिन लोगों ने पक्के निर्माण के रूप में अतिक्रमण कर रखा था, आज उनका जेसीबी की मदद से पूरा अवैध रूप से किया गया अतिक्रमण तोड़ा गया। वहीं मलबे को जेसीबी ट्रॉली में भरकर और खुले हुए क्षेत्र में जहां पर अतिक्रमण था वहां पे गड्ढे थे, उस जगह पर मंडे को बिछा दिया। इस दौरान पुलिस प्रशासन व तहसीलदार लोग अन्य मौजूद थे। जबलपुर के सिविक सेंटर में चौपाटी के पास एक कार में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाया गया। सिविक सेंटर चौपाटी के पास खड़ी स्कॉर्पियो में यह आग लगी। दमकल कर्मियों ने तुरंत आकर आग बुझाई, वरना आग भड़कने का भी अंदेशा था। स्कॉर्पियो नया मोहल्ला निवासी जावेद हुसैन की बताई जा रही है। जबलपुर में दिसंबर में कड़ाके की ठंड का पहला दौर इस वर्ष देर से शुरू हुआ। रविवार के बाद सोमवार को भी तापमान में गिरावट होने के साथ ही उत्तरी हवाओं की हवाओं ने ठिठुरन पैदा की। शाम को हल्का कोहरा भी छाया। मौसम विभाग के अनुसार रात को आसमान में बादलों ने दस्तक दे दी है, लेकिन 2 से 3 दिन तक ठंड का प्रभाव रहेगा। उत्तरी हवा की रफ्तार बढ़ने से शीतलहर भी चल रही है। मौसम विभाग के सोमवार को अधिकतम व न्यूनतम तापमान मौसम का सबसे कम रहा। मौसम विभाग के अनुसार रात में और सुबह के समय अभी हल्का सा कोहरा दिखेगा। जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ
के असर और अरब सागर से नमी आने से बादल सक्रिय हो गए हैं। हालांकि उत्तरी हवा की रफ्तार नहीं बढ़ी है, हवा की रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। सोमवार को न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम था। वहीं अधिकतम तापमान सामान्य 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम था। इस मौसम में यह सबसे कम अधिकतम व न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। अगले 24 घंटे के दौरान मौसम साफ रहेगा। सेहत का रखें ध्यान, तापमान में जिस तेजी से उतार चढ़ाव हो रहा है वह सेहत के लिए खतरनाक है। इस मौसम में जुकाम के मरीज कम होते हैं, लेकिन अभी जुकाम के साथ ही खांसी के मरीज आ रहे हैं। खांसी के कई मरीजों को कफ की शिकायतें भी हो रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड ज़्यादा बढ़ने व हेल्दी सीजन में पक्षाघात व हृदयघात का खतरा भी दोगुना बढ़ जाता है। सावधानी रहकर खतरों से बचा भी जा सकता है। जबलपुर में पुलिस जनसुनवाई में पहुंचे कटनी निवासी रेप पीड़िता युवती ने पुलिस और आरोपी युवक पर सनसनीखेज आरोप लगाए। युवती का आरोप है कि पुलिस ने मामले में समझौते के लिए उस पर दबाव बनाया। वही युवक व उसके परिजनों ने उसे 3,50,000 रुपए देकर चुप रहने के लिए कहा। इस दौरान उसे धमकी भी दी गई। होशंगाबाद में श्री बांके बिहारी के भक्तों के लिए अच्छी खबर है। जी हाँ, दरअसल बांके बिहारी मंदिर का कायाकल्प का कार्य इन दिनों हो रहा है। अगले कुछ महीनों बाद ये पूरी तरह धौलपुर के पिंक स्टोन से सज जाएगा। इतना ही नहीं, इस पर अक्षरधाम और वृंदावन के मंदिरों की तरह ही नक्का काशी भी हो रही है, जो देखते ही बनती है। मंदिर को नया रूप देने के लिए 40 कारीगर 5 साल से काम कर रहे हैं। इस पर अब तक 1 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अभी तक 1 साल और लग सकता है। हालांकि कारीगर अगले 3-4 महीने में ही ये काम पूरा करने का दावा कर रहे हैं। सेठानी घाट के समीप स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर का नया लुक आकर्षण का केंद्र बन रहा है। इसे गुलाबी पत्थर से नया रूप राजस्थान के कारीगर दे रहे हैं। मंदिर के खंभ और दीवारों पर नक्काकाशी उकेरी जा रही है। मुख्य द्वार पर 20 फीट ऊंचे 2 और भीतरी हिस्से में 42 फीट खंभे बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा मंदिर के गर्भगृह में लोड़िया डिजाइन और झरोका पैटर्न उकेरे गए हैं। मंदिर और खंभ में उकेरी जा रही नक्काकाशी का बहुत ही कुछ पैटर्न अक्षरधाम और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से मेल खाता है। ठंड हो या बरसात, रोज कारीगर 12 से 13 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। नतीजतन अब दीवारों पर कारीगरों का हुनर दिखने लगा है। इंदौर के देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में होने वाली जनसुनवाई में बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर की सिलेबस की समस्या को लेकर आए थे छात्र। इन छात्रों का कहना था कि कई प्रोफेसर्स ने कहा है कि एग्जाम नए सिलेबस से आएगा, तो कुछ कह रहे थे कि पुराने सिलेबस से आएगा। ये हैं बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र, हैरान और परेशान। कुछ समय बाद इनके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, लेकिन अभी तक इनके सामने इनका सिलेबस क्लियर नहीं है। इन छात्रों को ये नहीं पता कि इनके एग्जाम पुराने सिलेबस के अनुसार आएगा या नए सिलेबस के अनुसार। छात्र जब अपनी समस्या लेकर कुलपति के पास पहुंचे तो कुलपति नरेन धाकड़ ने इन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि एग्जाम पुराने सिलेबस के अनुसार ही आएगा। रीवा में आदि शंकराचार्य के प्रतिमा निर्माण के लिए धातु संग्रह करने और जन जागरण के लिए राज्य सरकार ने एकात्म यात्रा की शुरुआत की है। रीवा के पचमठा से इसकी शुरुआत की गई, जहां पर कई धर्मगुरुओं के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे। देश में 4 मठों की स्थापना के बाद 5वें मठ की स्थापना रीवा में की गई थी। इसी के चलते शंकराचार्य की स्मृति में पचमठा को चुना गया है। जबलपुर में मोबाइल शिक्षक के लिए आज मॉडल स्कूल में संभाग भर से आए उम्मीदवारों की साक्षात्कार की प्रक्रिया चली। संभाग से आधा सैकड़ा से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए। इंटरव्यू के लिए भोपाल से संयुक्त संचालक धीरेन्द्र चतुर्वेदी, प्रोफेसर आर के श्रीवास्तव, ज्वाइंट डायरेक्टर SS मरावी आदि अधिकारियों की पैनल थी। जबलपुर, नरसिंहपुर, बालाघाट, सिवनी, कटनी आदि जिलों से शिक्षक पहुंचे। शिक्षकों से उच्च संबंधित विषय से सवाल जवाब किए गए। सुबह से भरी गहमा गर्मी थी। जबलपुर में दृष्टिबाधित जूडो कराटो की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जानकी सिंह ने कलेक्ट्रेट आकर मदद के लिए गुहार लगाई। जानकी का प्रशिक्षण कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित होना है, लेकिन उसके पास आवश्यक किट नहीं है। कलेक्टर महेश चंद्र चौधरी ने जानकारी की हर संभव मदद करने की बात कही है। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पत्रिका टीवी। नमस्कार।